अस्सलामुअलैकुम, रीनाज के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। इसे आप मीठा रवा भी बोल सकते हो। ये देखिए, इसलिए मैंने ये सूजी ले ली है। रेसिपी बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो कोई भी मेरी रेसिपी नए से देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में जो बेल का आइकॉन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड कर दूँगी तो वो उसको आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो आपको देखने मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और जिसने भी पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो भी अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर करना और उन्हें भी कहना कि सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी और अच्छा ये हो जाएगा कि मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी अपलोड कर दूंगी, अच्छे से रेसिपी बना दूंगी। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या देखना चाहते हो, मैं क्या क्या कौन सी रेसिपीज़ बनाऊँ, आप भी मुझे बताना, तो मैं वो रेसिपीज़ आपको बनाकर बताऊँगी। अब हम क्या करेंगे, हम ये हलवा बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन रखा है, हम इसके अंदर स्टार्ट में घी ऑयल कुछ नहीं डालेंगे, हम ये सूजी डालेंगे। एक कप मैंने सूजी ले ली है, आपको जितनी लेनी है उतनी आप ले सकते हो। इससे पहले हम बिना कुछ डाले अच्छे से इसे इसमें भून लेंगे। अगर हम घी या ऑयल पहले ही डालेंगे तो फिर अच्छे से ये भूनता नहीं है, इसलिए पहले हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे स्टार्ट में भून लिया है, 5 मिनट मैंने इसे ऐसे ही भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर घी डालेंगे। आपको जितना चाहिए उतना आप घी इसमें डाल सकते हो। और ये डाल के हम, और साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूं ताकि ये भी भून जाए इसके अंदर। अगर आपको पहले से ही इसमें, आपको घी के साथ इसे फ्राई कर सकते हो, पर मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर ही डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हो तो डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, या पूरे काजू और बादाम पूरे भी डाल सकते हो, पर मैंने इसे कट किया है। ये हम इसमें डाल देंगे ताकि हमारे इसके साथ ही, सूजी के साथ ही ये भून सकते हैं। अच्छे से इसे हम पूरा भून लेंगे इसमें। अब मैं इसके अंदर कलर डाल रही हूँ और इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इसेंस होगा तो आप इसेंस भी डाल सकते हो, रोज वाटर डाल सकते हो, जो भी आपको कलर पसंद है वो आप इसके अंदर कलर डाल सकते हो, या बगैर कलर का भी आप इसे बना सकते हो। अच्छे से मैंने देखो इसे भून लिया है, ये देखिए। अब मैंने यहाँ पे लिया है चीनी, ये देखिए 1/2 कप मैंने चीनी ले ली है। मीठा जैसा आपको चाहिए वैसा आप मीठा इसमें चीनी डाल सकते हो। इसे हम पूरा अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और आपको अगर, अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी, आपको अगर खिला खिला चाहिए तो कम पानी डाल लेना, और अगर आपको थोड़ा पतला जैसा चाहिए तो आप जैसा आपको चाहिए वैसा पानी डाल सकते हो आप इस पे। अब मैंने 1 कप पे पानी ले लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, क्योंकि मैं थोड़ा खिला खिला नहीं बना रही हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा खिला खिला मेरे को अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक करके रखेंगे। ये देखिए, इसे मैंने ढक लिया है। अगर चाहो तो आप इसके नीचे लोहे वाला तवा भी रख सकते हो, पर मैं ऐसे ही इसे ढक रही हूँ। और हम इसे 5 मिनट रखेंगे, फिर इसे खोल लेंगे, फिर चेक करेंगे हमारा सूजी का हलवा हुआ या नहीं। ये देखिए कितना अच्छा बना है। आपको अगर चाहो तो आप खिला खिला भी बना सकते हो पानी कम डालकर, पर ये मुझे ऐसे ही बहुत पसंद है। अब मैं गैस की फ्लेम को, और आपको, आप चाहो तो इसके अंदर आप किशमिश भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाले हैं। मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर वगैरह लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये मैंने सूजी का हलवा एक रीजन से बनाया है, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और आज है महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, तो इसके लिए मैंने ये बनाया है। और मैंने किस कहाँ पे पढ़ा था कि एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि गांधी अपने बापू जी का पसंदीदा कलर ऑरेंज है, तो मैंने इसलिए ये ऑरेंज कलर का मीठा रवा बनाया है। मीठा रवा बोल सकते हो, सूजी का हलवा बोल सकते हो। मैं अब आप इसको टेस्ट करके बताती हूँ।
बहुत सही बना है, बहुत अच्छा बना है, आप भी जरूर इसे बनाकर देख लेना। कोई आप एक से एक त्योहार आ रहे हैं, अब आप त्योहार में इसे बना सकते हो। आपके घर में कोई गेस्ट आ गया तो सूजी का हलवा, मीठा रवा बना सकते हो, बहुत अच्छा बनता है और फटाफट बन जाता है। इसको कोई मेहनत भी नहीं लगती है, जल्दी से बन जाता है। तो आप भी जरूर बनाना और मुझे कमेंट में बताना कि मैंने जैसा बनाया वैसे बनाकर देख लेना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको टेस्ट में कैसा लग रहा है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो और प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत जरूरत है। इसके लिए आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिल जाएगा कि मैं नए नए रेसिपीज बना लूंगी। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।